डाल सकती है। सबको हम बिठा के फिर चेक करेंगे कि यहाँ फाइव सीटर के तौर पर पंच में कितना पंच है। पांच लोगों के साथ भी ये मुझे बहुत ज्यादा कमजोर नहीं लग रही है। आपको इंजन की आवाज कैबिन में अच्छे से आती है? जो शिफ्ट है वो टाइम लेता है, वो लैग आप महसूस करेंगे। जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये क्या क्विड या एस्प्रेसो जैसे माइक्रो एसयूवी की शेप में जो गाड़ियां आती हैं उसके बराबर होगी, या फिर मैग्नाइट और काइगर, आई गेस दूसरे यानी मैग्नाइट काइगर वाले कैटेगरी में इसका शेप और जो सांस है वो मुझे नजर आ रहा है। आफ्टर साइज लुक्स, और लुक्स के मामले में इंटरेस्टिंग रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर चेहरा आप देखें स्पेशली जिस तरीके से आपको इसका फ्रंट ग्रिल और DRL और इसके अलावा एक स्प्लिट हेडलैम्प देखने को मिल रहा है, इसके बड़े से बड़े भाई यानी हैरियर की आपको याद आएगी। नेक्सॉन ऑब्वियसली जो कैटेगरी वाइज नज़दीक सबसे ज़्यादा है, लेकिन उससे डिस्टिंक्ट बनाने के लिए कंपनी ने इसे हैरियर वाली फील ज़्यादा दी है, और उसमें सबसे बड़ा रोल जैसे हमने बताया कि DRL और हेडलैम्प का आपको नज़र आ रहा है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी नज़र आएंगे, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर हेलोजिन लाइट्स आपको फॉग लैम्प्स में नज़र आ रहे हैं। अगर मैं फ्रंट ग्रिल की बात करूँ, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये ट्राई एरो वाले जो पैटर्न हैं आपको इस फ्रंट ग्रिल में भी देखने को मिलेंगे, और साथ में ये क्रोम का जो लाइन है वो काफ़ी टेस्टफुली इसमें इंटीग्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आई लाइक दिस लुक। ये क्रिएटिव वाला वर्जन हमारे पास है जिसमें आप डायमंड कट अलॉयज देख सकते हैं 16 इंचेस वाले, और जो क्लैडिंग है वो आपको पूरी ब्लैक क्लैडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। साइड में एक और एलिमेंट, दरवाज़ा देखिए 90 डिग्री। जी हाँ, टाटा मोटर्स की एक खूबी रही है एंट्री एग्जिट वो आसान बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके पिछले हिस्से के बारे में जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिज़ाइन के हिसाब से डिस्टिंक्ट लग रहा है। आपके सामने अगर रात में गुजरेगी तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कि ये पंच जो है वो आपके सामने से जा रही है। ओवरऑल इस पंच का लुक, एक्सटीरियर लुक मुझे इंटरेस्टिंग और आकर्षक लग रहा है। अगर हम कुछ एक एलिमेंट्स जो फिट फिनिश वाले हैं, चाहे पैनल गैप्स वगैरह को हम नज़रअंदाज कर दें, तो उस हिसाब से जिस सेगमेंट में आ रही है एंड आई होप जिस तरह के प्राइसिंग में आ रही है वहाँ पर आपको ये बहुत ही वैल्यू सेंट्रिक डिज़ाइन लगेगा, जो कि SUV जैसा लग भी रहा है। सो ओवरऑल आई लाइक द डिज़ाइन एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। ओके गाइस, अब अंदर बैठ गए हैं, यहाँ पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है नई टाटा पंच में। सबसे पहले बात करूँ अगर मैं सीट की, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है, बहुत ही स्मूथ इसका जो हाइट एडजस्टमेंट वाला लिवर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्स जिसमें मैं बैठते ही अपनी हाइट के लिए सीट को एडजस्ट करता हूँ और वहाँ काफ़ी कड़ा रहता है, बट दिस इज़ प्रीटी स्मूथ। ओके, सो वो एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई। अब बात करते हैं इस स्टीयरिंग व्हील की, वो मुझे काफ़ी प्रीमियम से फील इसमें लेदर रैप्ड जो है ये, चूँकि ये टॉप एंड है, उसमें मुझे नज़र आ रहा है, एंड दिस इज लुकिंग प्रीटी प्रीमियम। राइट साइड में वो फीचर जो टॉप एंड में है क्रूज कंट्रोल, लेफ्ट साइड में बटन्स हैं इस ऑडियो कंट्रोल के, अलग अलग मोड को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा वॉइस कमांड भी आप दे सकते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन एनालॉग और डिजिटल। राइट साइड में जो स्पीडो है वो आपको एनालॉग देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर आपको मिलेगा। बहुत प्रीमियम डिज़ाइन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डज द जॉब। यहाँ फ्लोटिंग ये जो स्क्रीन है वो साइज़ बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये टच स्क्रीन जो है उसका रिस्पॉन्स भी अगेन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प या बहुत ज़ोरदार मैं देखूँगा, लेकिन ये है कि जो जो फीचर्स इस सेगमेंट में आप उम्मीद करते हैं आपको मिलें, अब वो फीचर्स यहाँ पर देखने को मुझे लगभग मिल रहे हैं। अब इसके नीचे यहाँ पर AC के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, जहाँ पर जो टेम्परेचर का डिस्प्ले है वो आपको इस स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, फ़ैन स्पीड वगैरह और अलग अलग फ़ैन डायरेक्शन के लिए ये बटन्स हैं, और इसके अलावा AC के जो यहाँ पर स्विचेस हैं ऑन ऑफ करने के लिए। इसके ठीक नीचे अगर मैं कहूँ तो यहाँ USB का पॉइंट है,
12 वोल्ट का एक आपके पास सॉकेट मिलेगा, इसके नीचे फ़ोन रखने की जगह है, इसके नीचे अगर आप देखें तो AMT का ये पूरा सेटअप है। गियर शिफ्ट जो है वो सॉलिड सा मुझे लग रहा है, बट अगेन बहुत फैंसी देखने को नहीं मिला। एक चीज़ जो फिलहाल मैं देख रहा हूँ वो ये कि आर्मरेस्ट इस वाले वर्जन में भी आपको ड्राइवर साइड या ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। सो ओवरऑल फर्स्ट रो मुझे अच्छा लग रहा है और इस सेगमेंट के हिसाब से मुझे सॉलिड प्रीमियम भी लग रहा है। तो ये कहानी है फर्स्ट रो की। नाउ लेट्स शिफ्ट टू सेकंड रो। ओके सो क्रांति समर रिकॉर्डिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ टाटा पंच। यहाँ पे मैंने इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है और उस हिसाब से मेरी हाइट विच इज 60 वहाँ आपको नी रूम कम होता दिखाई देगा। फुट मूवमेंट के लिए आप मुझे जगह यहाँ अच्छी लग रही है, प्लस जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, विच इज़ गुड फॉर 3 पैसेंजर्स अगर उनको यू नो फुट मूवमेंट और पाँव रखने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। एक चीज़ जो हमने आगे वाले सीट पर भी फील की थी वही यहाँ भी फील कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे रूम वाली गाड़ी चाहिए तो ये एक अच्छी फील यहाँ पर आपको मिलेगी। आप लंबे हैं तो फिर यहाँ हेड रूम की आपको समस्या पंच में नहीं मिलेगी। इस वाले वर्जन में आपको सेकेंड रो के लिए एक आर्म रेस्ट भी देखने को मिल रहा है। वही एक चीज़ जो मिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो है सेकेंड रो के लिए AC वेंट, यहाँ पर वो नजर आपको नहीं आएगा। अब बात करते हैं लगेज स्पेस की। और अब बात लगेज स्पेस की 366 लीटर्स, और ये जगह इस सेगमेंट के हिसाब से आगे जो मुझे जगह मिल रही है उस हिसाब से डज द जॉब। और अब उस मुद्दे के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में टाटा मोटर्स का दावा है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी है। तो स्पोर्टी कितनी है, यूटिलिटी इसकी कितनी है, और उसके लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कैफी और अंकुर, और इसके अलावा हमारे एक और दोस्त अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारा ऑडियो चेक कर रहे हैं, और प्लस कैमरे के पीछे कार्तिक हैं। सबको हम बिठा के फिर चेक करेंगे कि यहाँ 5-सीटर के तौर पर पंच में कितना पंच है। लेट्स सी। हम सभी मास्क पहन रहे हैं, हम सभी को जो वैक्सीन है वो लग चुका है, सो वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। सो फर्स्ट इम्प्रेशन, 5 लोगों के साथ भी ये मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं लग रही है, अगर मोर देन यू नो 2500 RPM से ऊपर अगर रख रहा हूँ। लेग रूम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है क्रांति यहाँ पे, लेग रूम इज सॉर्टेड, शोल्डर रूम की दिक्कत है, हल्का फुल्का थाई सपोर्ट आई वुड से, बट लेग रूम इज़ गुड, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं तो, बट लेग रूम सॉर्टेड लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है पिछली सीट से, पिछले रो से, उस हिसाब से जो स्पेस है पाँव के लिए तो स्पेस है, शोल्डर्स के लिए कम लग रहा है। सो 2 लोगों के लिए कम्फर्टेबल, 3 लोगों के लिए अगेन भाई साहब थोड़ा एडजस्ट कर लो वाला मोड है। ओके गाइस, सो सेकेंड पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक अबाउट द इंजन, जो आप पावर बैंड में रखते हैं उसको 3000 RPM के आसपास, तब तो ये अच्छे से खींचती है विद 5 पैसेंजर्स ऑल्सो, बट या आपको इंजन की आवाज़ कैबिन में अच्छे से आती है एंड यू रियलाइज कि हाँ प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है। नाउ द AMT ट्रांसमिशन जो है इसका, वो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा क्योंकि आप जिस तरह के ट्रांसमिशन हमें मिल रहे हैं वो ऑटोमेटिक वाले बात आपको पहले से कहीं ज़्यादा स्विफ्ट क्रिस्प मिल रहा है। इसमें जो शिफ्ट है वो टाइम लेता है, वो लैग आप महसूस करेंगे, लेकिन अगेन जब आप याद करेंगे कौन से सेगमेंट में है तब शायद आपको बात उतनी खले नहीं। कैफी बिल्कुल चुप रहा तो उसको बुलवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। ऑफ रोडिंग भी जा रही है। दोनों चीजें जो मिक्स हो रही हैं, जैसा हमने कहा कि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm जो मुझे पता है, एंड प्लस द कार जो सस्पेंशन इसका मुझे सेटअप लग रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा था जहां मैं भी हेजिटेट नहीं किया और कार तो बिल्कुल भी हेजिटेट करती हुई नजर नहीं आई। तो हो सकता है कैफी शुरू में डर रहा था, लेकिन जब तक वो उसका डर पूरा होता हम लोग ऊपर चढ़ चुके थे। अभी कार्तिक उतर के हमारा शॉट्स ले रहे हैं, लेकिन ये मुझे पूरा सेटअप अच्छा लग रहा है और काफ़ी कंट्रोल में कार मुझे दिख रही है, स्टीयरिंग का बिहेवियर भी मुझे काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी डायरेक्ट सा लग रहा है, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड।
तो दोनों ही वर्जन को हमने ड्राइव कर लिया है, पहले AMT चलाया और मैनुअल उसके बाद चलाया, और जो कमी मुझे AMT में नज़र आ रही थी मैनुअल उस कमी को पूरा करती हुई मुझे लग रही है। जो शिफ्ट है उसमें जो लैग था वो पंच की ड्राइव या AMT वर्जन के ड्राइव के मज़े को थोड़ा कम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैनुअल में वो लैग आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन एक बात जो बॉटम लाइन वो ये है कि 0 to 100, 0 to 60 वाले अगर आप के अंदर इंथुजियाज़म है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार गाड़ी आपको नहीं रहेगी चुस्ती के मामले में। लेकिन अदरवाइज कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अगर देखें, फीचर्स के हिसाब से देखें, स्पेस के हिसाब से देखें, और ओवरऑल जो इसका बिहेवियर है मुश्किल रास्तों के ऊपर, चाहे वो सस्पेंशन हो, इसका फ्रेम हो, स्टीयरिंग हो, ब्रेकिंग हो, इन सभी के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो कुल मिलाकर जो SUV का क्लेम टाटा मोटर्स कर रही है वो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के साथ उस पर खरी उतरती नजर आ रही है, बिकॉज दिस इज प्रीटी कैपेबल कार। अगर ये बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग में आती है तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर टाटा मोटर्स। टाइम ड्राइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में बात करेंगे एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल के बारे में, और वो है TVS की रेडर। अंकुर बता रहे हैं कि ये आखिर जेन जी के लिए बाइक क्यों लेकर आई है TVS। आज आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं TVS की रेडियन का बड़ा भाई TVS रेडर। ये है नई TVS की 125cc बाइक TVS रेडर। काफी अपीलिंग ये पहली झलक में ही आपको देखने में जरूर लगेगी। काफी अच्छा शुरुआती टॉर्क रेडर में देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस काफी स्मूथ और काफी रिफाइंड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। TVS आपको इस रेडर में